एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपके कलेक्शन में यूनिक हो, कॉम्प्लीमेंट किंग हो और एक महंगे नीश परफ्यूम का क्लोन होने के साथ साथ उसकी सेंट प्रोफाइल को आपको क्लोजली महसूस भी करवाए, जानेंगे एक ऐसे ही ब्रांड की तरफ से आने वाले फ्रेग्रेंस के बारे में। वैसे अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यूज़ को कभी मिस ना करें। बने रहिएगा मेरे साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू फैक्ट फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं पेरिस कॉर्नर की तरफ से आने वाले सेलेस्टियल फ्रेग्रेंस की, जो कि क्लोन है एक महंगे नीश फ्रेग्रेंस का जिसका नाम है जेनीमेट बाय मार्क एंटोन बैटवा का। अब जानेंगे कि क्या ये फ्रेग्रेंस उसकी सेंट प्रोफाइल को मैच करता है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस और कैसे इसका नोट ट्रांजिशन। पर पहले बात करते हैं इसकी बॉटल एंड ओवरऑल बॉक्स के प्रेजेंटेशन की। देखिए, बात करें अगर बॉटल की डिज़ाइन की तो ये काफ़ी हेफ्टी बॉटल है। आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड टाइप फील होती है। फ्रंट में इन्होंने सेलेस्टियल सीरीज एंड सेलेस्टियल नेम मेंशन किया है। वहीं इसके नीचे इन्होंने एक्सरे द परफ्यूम एंड 100 ml वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है। बैक में अगर हम देखें तो इन्होंने 3D लोगो फॉर ऑथेंटिक रिलीज वेरिफिकेशन के लिए दिया है। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने इंग्रीडियंट्स भी मेंशन किए हैं जो इस परफ्यूम की क्रिएशन में इन्होंने यूज़ किए हैं एंड बैच कोड भी मेंशन किया है। देखिए, मैं कहूँगा कि बॉटल का जो प्रेजेंटेशन है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें बॉटल के डिज़ाइन की तो बॉटल भी हैवी साइड पर है। कैप का जो लुक है वो एक इन्होंने ईगल शेप में दिया है। कैप मेटालिक फॉर्म में है। वहीं इन्होंने गोल्डन प्लेट में सेलेस्टियल एंड एमर इम्प्रिंट किया हुआ है। देखिए, कैप जो है वो बॉटल को वैसे सही से होल्ड तो नहीं कर पाती और ना ही इसे परफेक्टली फिट होती है। और वैसे मैंने ये जो इशू है इन सीरीज़ के काफ़ी अदर फ्रेग्रेंसेस में भी ऑब्जर्व किया है। बात करें अगर एटमाइजर की तो एटमाइजर का थ्रो डिसेंट है एंड ओवरऑल बॉक्स एंड बॉटल का प्रेजेंटेशन डिसेंट साइड पर है। बात करें इस फ्रेग्रेंस के प्राइस पॉइंट की तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1700 से 1900 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने सेलर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। आप इसे वहाँ से वाया कॉल और व्हाट्सएप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस फ्रेग्रेंस के नोट्स के ब्रेकडाउन की तो साइड स्क्रीन पर आप इसके नोट्स के ब्रेकडाउन को देख सकते हैं। देखिए, वैसे जो ये फ्रेग्रेंस है काफ़ी यूनिक ब्लेंड है। मैं कहूँगा इसके इनिशियल स्प्रे में आपको मेटालिक ओजोनिक वाइब मिलेगी। आपको महसूस होगा फ्रेश वाटर एकॉर्ड ऑफ मिनरल्स की वजह से जो ब्लेंड होता है एरी सेफ्रॉन के साथ, जो इसमें माइल्ड स्वीटनेस और एक पिंच ऑफ स्पाइसी नोट को एड ऑन फील करवाएगा। और अपने 20 से 25 मिनट के डायडाउन के बाद देखिए इसमें आपको एक वेलवेटी लेदर काइंड ऑफ अकॉर्ड मिलेगा। अगर इमेजिन करें एक ब्रांडेड रफ लेदर के कपड़ों से जैसे एक स्मेल आती है, सेम कुछ उस टाइप का आपको एक नोट मिलेगा। बट फ्रेग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लेंड होता है और मिक्स होता है फ्लोरल एंड वुड्सी नोट के साथ। अपने बेस नोट में इसमें आपको एक माइल्ड पिंच मिलेगा सिट्रस का ड्यू टू मैंडरिन ऑरेंज, और वो मिक्सअप होता है एक ग्रीन हर्बल नोट के साथ। देखिए, ग्रीन हर्बल नोट्स जो है वो सेम आइडेंटिकल है एक अरोमा जो आता है हॉट कप ऑफ ग्रीन टी से, तो वो कुछ इस तरह के आपको फील करवाएगा। देखिए, ओवरऑल अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के ट्रांजिशन की बात करूं तो ये एक फ्रेश वुड्सी एंड फ्लोरल काइंड ऑफ वाइब आपको महसूस करवाएगा, जो एक यूनिक तो आपका कलेक्शन में ज़रूर होगा बट ये हर किसी को अपील करता है और हर किसी को पसंद आता है। देखिए, बात करेंगे इस फ्रेग्रेंस की वर्सेटाइलिटी की तो ये हाईली वर्सेटाइल और एक यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है जिसे आप एनी टाइम एनी वेदर एनी ओकेजन ईजिली वेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से ये आपके अराउंड सेंट बबल एक क्रिएट करता है, आप जहाँ भी मूवमेंट करेंगे मैं कहूँगा ये आपको वहाँ ज़रूर नोटिस करवाएगा। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि 5 to 6 स्प्रेज आर इनफ, और मेरे को हर जगह इससे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। यहाँ तक कि मुझसे काफ़ी लोगों ने इस फ्रेग्रेंस का नाम भी पूछा है। मैं कहूँगा देखिए, ये यूनिक ब्लेंड तो है बट ये एक कॉम्प्लीमेंट गेटर और मास प्लीजर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। देखिए, अगर बात करें परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फ्रेग्रेंस को जज करने के लिए, तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी ईजली 7 से 8 घंटे की है। कपड़ों पर ये पूरा दिन टिकता है। बात करें अगर प्रोजेक्शन की तो प्रोजेक्शन इसका 2 से 2.25 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन और एरी काइंड ऑफ प्रोजेक्शन है। मैं कहूँगा उसके बाद भी जिस तरीके से ये आपके अराउंड सेंट बबल बनाता है आपको सडन कॉम्प्लीमेंट्स ही ज़रूर दिला सकता है। देखिए, इस परफॉर्मेंस फैक्टर को मैंने और डीपली समझने के लिए इसको मैंने डिवाइड किया है विद इन 3 फैक्टर्स और रैंक किया है आउट ऑफ 30, जो कि है प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। सो प्रोजेक्शन में इसको मिलते हैं 8, लॉन्जिविटी में इसको मिलता है 8, कॉम्प्लीमेंट रेटिंग में इसको मिलता है 9.5, सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इसको मिलता है 25.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन एमर सेलेस्टियल। और अगर आप भी एक एरी फ्लोरल फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस की सर्च में हैं तो ये आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है।
अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो ये जो वीडियो है और परफ्यूम लवर्स तक शेयर होगा। आपसे मिलूंगा जल्द एक नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ, तब तक बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।